फ्रेंड्स हमें यहाँ पे सबसे पहले ले लेना है इन सारी इंग्रेडिएंट्स को। आपको मैं सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा देती हूँ किस तरह से हम डाई बनाएंगे। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा लीव्स जो लिए हैं, फ्रेश एलोवेरा लीव्स है दोस्तों, और यहाँ पे मैं दो फ्रेश एलोवेरा लीव्स ले रही हूँ। और देखिये फ्रेंड्स यहाँ पे जो येलो पोर्शन होता है ना, यहाँ पे सबसे पहले हमें इसे कट कर देना है। ये देखिए इसे आपको इतने एक इंच की दूरी से ही इसे कट करके फेंक देना है, इसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखिए ये जो येलो पोर्शन होता है वो उससे हमारे बाल अच्छे नहीं होते हैं, उससे बाल झड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब आपको ये जेल दिखने लग जाए तो अब आप इसका इस्तेमाल करिए। तो ये देखिए ये दोनों हमने कट कर लिया है। और हमें यहाँ पे लेना है एक पोटैटो, एक कच्चा आलू लेना है आपको यहाँ पे। मैंने यहाँ पे थोड़े देखिए लीव्स लिए हैं जो कि लेमन के लीव्स हैं। ये इजीली हमारे मैंने गार्डन में इसे गार्डन से लेकर आई हूँ तो ये मिल जाते हैं। ये लेमन के पत्ते हैं दोस्तों, लेमन के पत्ते काफी अच्छे होते हैं बालों को काला बनाए रखने के लिए। और अदरक का ये टुकड़ा लेना है हमें, तो अदरक का टुकड़ा हमें सिर्फ और सिर्फ इतना लेना है। ये देखिए इतना कम से कम आधा इंच जो अदरक का टुकड़ा आप ले लीजिए। इन सारी चीजों को हमें प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले इन दोनों चीजों को हम हटा देते हैं और हम ये जो लीव्स है ना इसे हम थोड़े से कट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक हम यहाँ पे बाउल लेंगे जो कि मिक्सर ग्राइंडर है, और इस तरह से आपको इस लीव्स को जो एलोवेरा लीव्स है उसे कट कर लेना है। ये देखिए बारीक बारीक सा आप इसे अच्छी तरह से कट कर लीजिए। उसके बाद जो आपने यहाँ पे एक छोटी स्मॉल साइज की जो आलू ली है ना उसे लेके कट करके छिलकों के साथ ही इसे इस तरह से इसमें मिक्स कर देना है। और इसी में हम डालेंगे अदरक। अदरक हमारे रोम छिद्र में जाकर बालों को बहुत अच्छी तरह से डीपली पेनिट्रेट करेगा और बालों को स्वस्थ और लंबा बनाएगा। फिर जो लेमन के पत्ते थे हमने उसे डाल देना है दोस्तों। तो ये देखिए हर एक चीज को हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसमें वाटर को ऐड कर लेना है क्योंकि हमें ये बहुत ही अच्छी तरह से स्मूथ पेस्ट में चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा जो पेस्ट है कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा सा फाइन पेस्ट आपको बनाना है। अब चलिए हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने लोहे के पैन ले ली है, गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। ये देखिए इस तरह से आपको लोहे का पैन लेना है क्योंकि आयरन हमें बहुत ही अच्छे से मिल जाती है जो कि हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। अब हमने यहाँ पे जो पेस्ट बना के रखा है ना फ्रेंड्स देखिए इस तरह से, ये थोड़ी देर में वैसे भी आप बाहर रखोगे तो काला हो जाएगा, ब्लैक फॉर्म में टर्न हो जाएगा क्योंकि आलू काफी अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। ये देखिए मैंने इसे इसमें ट्रांसफर कर दिया है और हल्के हल्के से बस हमें इसे चलाना है। लेमन का जो लीव्स है ना दोस्तों, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, लेमन का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं या फिर नींबू के कुछ कतरे भी इसमें डाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है, इन सारी चीजों को लेके एक अच्छा सा डाई बनाना है जो कि हमारे बालों को काला, लंबा, घना और मजबूत बनाएगी। एलोवेरा जेल बहुत अच्छे होते हैं हमारे बालों को, बहुत अच्छे से नॉरिशमेंट देते हैं। आप इस तरह से जो ये बबल्स देख रहे हो ना, ये हमारे डाई को बनाने के लिए अब ये प्रोसीजर जो रेडी हो चुका है। अब इसे हम धीरे धीरे करके एक अच्छी तरह से इसे चलाते हुए बना लेंगे हमारा एक नेचुरल डाई। सो ये देखिए इसे आपको इस तरह से चलाते हुए देखिए बहुत अच्छा सा डाई बनके आपका रेडी होता है दोस्तों। और जब ये ठंडा हो जाए तब आप अपने इसे बालों पे लगाइए, अच्छी तरह से पूरा इसका एप्लीकेशन लगाइए। और बाल अगर झड़ते हैं, किसी भी कारण से बाल टूटते हैं, बालों में कोई मजबूती नहीं है, जान नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा सा जो आपको एकदम डाई बना के नेचुरल बनता है, ये मीन्स केमिकल फ्री डाई है दोस्तों। तो ये देखिए ये बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे बना सकते हो और अपने बालों को काला बनाए रख सकते हैं। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छे से एकदम से ब्लैक फॉर्म में टर्न हो जाएगा। जो हमने इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा डाला है फ्रेंड्स, ये आपके बालों को ना बाल रोम छिद्र में जाके अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन आपके बालों की बहुत स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाएगी। और मेलानिन नाम की जो पिगमेंट होती है ना जो हमने पोटैटो डाला है, ये बहुत अच्छे से कवर करता है क्योंकि आलू बहुत अच्छा होता है बालों के लिए और ये नेचुरल तरीका है। बहुत से लोग पहले के लोग इन सारी चीजों का यूज करते थे और अपने बालों को नेचुरली काला करते थे कुछ इसी तरह से। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रेमेडी है जो कि आप अपने बालों को ना काला बनाए रख सकते हैं, घना बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, लंबाई बालों की अगर आप चाहते हैं तो इन सारी चीजों का आप जरूर यूज करिए। ये मिक्सचर जब ठंडा हो जाए ना उसके बाद आप अपने बालों पे इसे 30 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दीजिए
और अपने बालों को किसी भी हर्बल या फिर माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। और आप इसी इसका यूज ना हफ्ते में 2 बार जरूर करिए ताकि एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आए आपको। तो चलिए इस डाई को हम सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका किस तरह से कलर चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉफी का पानी जो है उसमें ऐड करूंगी। 1 से 2 चम्मच में यहाँ पे कॉफी का पानी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से, अगर आपको बहुत प्यारा सा कलर चाहिए, एकदम नेचुरल शाइन चाहिए ना बालों में, तो आप कॉफी को जरूर इस्तेमाल करिए। कॉफी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और मैं वैसे तो कॉफी का पानी अपने बालों पे स्प्रे करते रहती हूँ ताकि मेरे बाल जो है ना वो सफेद ना हो, क्योंकि मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए थे, तो फिर मैंने इन सारी चीजों का यूज करना शुरू कर दिया। ये देखिए ये कितना अच्छा प्यारा सा आपका एकदम बोलते ना जेल कंसिस्टेंसी वाला डाई बन के रेडी हो गया। और इसे देखिए, अब गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है और इसे मैं अप्लाई करूंगी। और 10-30 मिनट के लिए आपको इसे छोड़ देना है नहाने से पहले, और जिस तरह बताया बिल्कुल उसी तरह बनाइएगा। आज की होम रेमेडी DIY कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइए कमेंट करके। सो फ्रेंड्स, इसे शेयर जरूर करना, बहुत ही यूजफुल रेमेडी है ये उन लोगों के लिए जिनके बाल जो है ना सफेद होना शुरू हो गए हैं। सो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।